बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक और अपडेट के साथ गुलिस्तान जौहर अंडरपास की तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ये देखें आप, ये कहलाता है पेवर ब्लॉक और यही लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अंडरपास है, अंडरपास की जो छत है उधर तक तो कारपेटिंग है, बाकी जो है ये पेवर ब्लॉक जो कहलाते हैं वो लगाने का अमल जारी है। और हमने आपसे जिक्र किया था पहले भी कि आप देखें मटेरियल आ रहे हैं पेवर ब्लॉक और काम तेज़ी के साथ जारी है। सेटिंग किस तरह की जाती है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये सेटिंग में लगाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद इस पर इसका जो मसाला है था वो डाला जाता है मजबूती के लिए। तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। उससे पहले ये मिट्टी, ये मटेरियल है वो डाला जा रहा है, वो फैलाया जा रहा है। ब्लॉक जो हैं वो प्योर ब्लॉक जो हैं वो काटे जा रहे हैं जो यहाँ लगाए जाते हैं। जैसे बाज़ वक़्त आप ये देख सकते हैं इन ब्लॉकों को इस साइज़ में काटने का मकसद ये है कि ये जैसे ब्लॉक है और ये जगह जो रह गई है, जैसे मिसाल के तौर ये जगह रह गई है कि इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा, तो ये कटिंग इसलिए की जा रही है इन ब्लॉकों की। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया जदीद तर्ज की बुनियादों पर ये बड़ा खूबसूरत गुलिस्तान जौहर का अंडर पास बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने आपको ऊपर के जो छत है अंडरपास की उसकी अपडेट दी थी और वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उसकी छत डाल दी जाएगी। सरिया वगैरह लगाया जा चुका था कल जो हमने आपको उसकी अपडेट दी, आज अंडरपास के अंदर की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। काफ़ी तादाद में इस वक्त लेबर लगाई गई है और जैसे मैंने जिक्र किया कि जल्द से जल्द इस बात इफ्तिताह करने का है गवर्नमेंट का इरादा। टाइलों के साइडों में उसका भी काम जारी है और टाइल भी लगाई जा रही है। तकरीबन 500 के करीब मजदूर लगे हुए हैं इस जगह पर से लेके और जो पहलवान रोड से आ रहा है अंडरपास वहाँ तक दूसरी साइड पर। थोड़ा और आगे की तरफ लेके आया हूँ मैं आपको। तो ये प्योर ब्लॉक जो हैं ये लगाए जा रहे हैं जो कि तकरीबन आपने यूरोप वगैरह और ख़ास तौर पर जर्मनी में देखा होगा, वहाँ रोडों पर इसी तरीके से काम किया जाता है और यही चीज़ लगाई जाती है। पानी की निकासी के लिए मैंने आपको बताया था एक ये इस तरफ और इस तरफ जदीद तर्ज पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला अगर 13 अगस्त की रात को इसकी लाइटें ऑन हो गई, अगर 14 अगस्त को इब्तदा है तो फिर 13 अगस्त की रात को भी इंशाल्लाह ताला हम आपको इसका पूरा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए आप, अभी ये सेटिंग हो रही है, उसके बाद फिर इसको मजबूत करने के लिए इस पर मटेरियल डाला जाएगा। जो अभी आपको ये गैप नज़र आ रहे हैं ये सारे गैप फिलिंग की जाएंगी। Thank you.
देखें कितने मोटे हैं, और ये आप देख सकते हैं कितने सॉलिड काम हो रहा है इस वक्त। काम तेजी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टाइलें लगाने का काम जारी है। अब हम आपको जो है इसका अंडरपास का आगे तक का जाके रास्ता दिखाते हैं, व्यू इसका पूरा, और आगे की तरफ चल के देखते हैं क्या पोजीशन है वहाँ के काम की। ये जिस जगह से जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ सिर्फ रोड कारपेटिंग होगी, इसके बाद जो जहाँ से हमने शुरू किया वो, और ये जो आगे जगह है इन तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं काम तेज़ी के साथ जारी है आगे की साइड पर, और ये सीधा रास्ता पहलवान बोर्ड की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पर भी लेबर लगी हुई है और तेज़ी के साथ काम जारी है। अब क्रेनों के ज़रिए भराई भी हो रही है। तो ये व्यू था आगे तक का, और इससे आगे भी हम इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देंगे कल या परसों। तो दोस्तों ये थी अपडेट, हिंदुस्तान जो आया जा रहा है उसकी तफसीलात। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।